यहाँ की जिला परिषद स्कूल है, जिला परिषद उच्च माध्यमिक शाला दिया, पंचायत समिति धारणी, जिला परिषद अमरावती। यह स्कूल में जाने का मार्ग है, निश्चित रूप से बरसात है तो बरसात के कारण यह गिल्ला हुआ है, बरसात के कारण पूरी बह रही, और हम भी यहाँ से चल रहे हैं तो थोड़ा संभल के चलेंगे क्योंकि फिसलन है, कभी भी यहाँ से गिर सकते हैं। और ये पूरी देख रहे हैं कि दीवारों पे अभी यहाँ पे धारणी में हमने कई जगह देखा कि पूरी दीवारें काई से हरी हो जाती है। ये स्कूल है, सबके पेरेंट्स क्या करते हैं, सबके काम करते हैं, बिजनेस किसके किसके पेरेंट्स करते हैं, धंधा करते हैं क्या, बताना हाथ ऊपर करो, नहीं कोई नहीं, किसको क्या क्या करना है, पढ़ के बताओ क्या करना है, क्या बनना है, कोई भी एक आओ, कौन आता, किसको बोलते आता, रुपेश आजा, बोलते क्या बनने का, रुपेश बोलते जाओ, डरो मत, आजा। कौन सी क्लास में पढ़ता है, नाम बोलो, क्लास बोलो। माय नेम इज रुपेश ननकू सावलकर, वर्ग छठवा। क्या पढ़ाई करते हो, इंग्लिश, मराठी और हिंदी, भूगोल और गणित। हिंदी में कोई कविता बता सब पढ़ाते हैं आपको, कविता कहानी कुछ पढ़ाते हैं, बताओ हिंदी का पार्ट बताओ, हिंदी को कौन सा पढ़ाई सबसे अच्छा कौन सा लगता है तुमको, कौन सा विषय अच्छा लगता, इंग्लिश, इंग्लिश में क्या आता है, इंग्लिश में एबीसीडी पूरी आती, हाँ। बोल दे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके थैंक यू। तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आठवीं। तुम क्या करते हो, अपना हिंदी, हिंदी में, हाँ। खेल कौन सा खेलते हो, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल आता है, कितने कितने लोग को आता है, किसको इसको वॉलीबॉल आता है, कितने लोग वॉलीबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल की मैच होती है सर अपने यहाँ पे, यहाँ तो नहीं लेकिन तालुक स्तर पे होती है, अपने भेजते हैं। कौन सा विषय अच्छा लगता, हिंदी। पढ़ लिख के क्या बनना है, पुलिस, पुलिस वाले बनना, किसको इसको पुलिस बनना है, इधर आ जाओ पुलिस वाले सब, इधर आ जाओ पुलिस वाले सब, सब जिसको पुलिस बनना है इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, क्यों बनना है पुलिस, क्या करती पुलिस, अरे क्या करती पुलिस, ना रखवाला करता, रखवाली करती, तुमको नर्स किसको बनना है, डॉक्टर किसको बनना है, बोलो बेटा, बोलो बेटा, क्या बनना है, डॉक्टर, डॉक्टर बनना, क्या करते डॉक्टर, मतलब मदद करते सब लोगों का इलाज करते हैं, जो बीमार होते हैं उसको ठीक करते हैं, लग जाते हैं उसको ठीक करते हैं, हम्म, और किसको क्या, कलेक्टर, भावना करे राम तो बोला निकले गड़बड़ कौन कौन वाला। ये थे धारणी के बच्चे, जहाँ पर हम जिस स्कूल में आए उस स्कूल के बच्चे हैं, एकदम यानी कोई संकोच नहीं, जैसा ग्रामीण अंचल में होता है, पूरा ग्रामीण के बच्चे, भोले भाले मासूम जिसको कह सकते हैं हम लोग, सब चीज़ों से पूर, और हमने देखा कि सारे बच्चे ग्राउंड में खेलने वाले, यानी मुझे लगता है शायद बीमारी से ये लोग दूर रहते होंगे, बीमारी से दूर रहते हो, इम्यूनिटी पावर अच्छी, शहरी स्कूलों में जहाँ पूरा एसी और नीचे कहीं उनको ग्राउंड में खेलने को नहीं मिलता, ग्राउंड के खेल हमने यहाँ देखे कि कबड्डी, खो खो, उसके साथ में वॉलीबॉल, क्रिकेट, जो ग्राउंड के खेल है, कंप्यूटर के खेल ना खेलते, हालांकि वर्चुअल क्लासेस है, लेकिन कंप्यूटर के साथ में मोबाइल के साथ में ना रखते, ग्राउंड के खेल खेलते, निश्चित रूप से खेलने में अब इनकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है, तो मामूली बीमारी तो इन पे असर ही नहीं करती, इससे प्रकृति के साथ में पलते, निश्चित रूप से पढ़ाई में तो टीचर्स लोग बताएंगे कि किस प्रकार इनको आगे जाना है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में ये बहुत अच्छे रहेंगे। हालांकि धारणी कुपोषित के नाम से बहुत ज़्यादा हमने अभी देखे कई सिकल सेल के, तो उनकी यदि खान पान की व्यवस्था बराबर रही और ये साथ में प्रकृति में खेल के साथ में रहे, तो मुझे नहीं लगता कि कभी शायद इनके हेल्थ के साथ में प्रॉब्लम ना। धारणी जिला परिषद के स्कूल में मैं संदीप राउत, साथ में राजेश मालवीय और मयूर के साथ में हम लोग यहाँ पर सारी इन लोगों से अभी जानकारी ली, और बहुत अच्छी जानकारी थी, अच्छी स्कूल है, 70% के आसपास उपस्थिति रहती है, लोग पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं,
जिनसे पूछा वो बताते भी है कि क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। पहली वाला पहली के हिसाब से बताएगा, आठवीं वाला आठवीं के हिसाब से बताया ऐसे। और यहाँ पे आठों टीचर कहे कि आठों के आठों टीचर यहाँ पे अभी शाम के 5 बजे तो भी उपस्थित है। हमने कई बार सुना है कि धारणी में टीचर ही नहीं रहते, स्कूल में बच्चे ही नहीं रहते, यहाँ पे हमको बच्चे आया जब नहीं दिखे हमको कि क्लास में टीचर। हमने पूछा तो बोले अभी यहाँ पे खेल की छुट्टी हुई है इससे टीचर ने, और 4:30 से 5 तक खेल के लिए समय रहता। हालांकि 4:30 को छुट्टी होती थी, शहर का बच्चा रहता सीधा घर पे, उसके माँ बाप लेने आ जाते। यहाँ बच्चे देखे 5 बजे तक भी सारे बच्चे अभी कायम है, खेल के प्रति भी इनका इनकी रुचि है, पढ़ाई के प्रति भी रुचि है, और निश्चित रूप से इनका श्रेय टीचर्स को जाता है। वो आकर्षण बनाए रखे, नहीं तो आप मारेंगे पीटेंगे तो शायद नहीं आएंगे। ऐसा नहीं करते इन्होंने बताया सर, 3 साल से कंटिन्यू जिले के उपविजेता है टीम जी। चलो चलो आपको बहुत बहुत किस किस चीज में आपकी टीम उपविजेता रही है? विजेता रही है, विजेता मेरे कबड्डी कबड्डी में कबड्डी खेलने वाला है इसमें। ये यहाँ पर इनकी कबड्डी की टीम है, सब कबड्डी खेलते हुए जिले कितने साल से? 3 साल से लगातार कबड्डी की टीम, और कबड्डी का अमरावती जिले में बहुत अच्छा एसोसिएशन है और बहुत अच्छी टीम है। विश्व स्तरीय कबड्डी के प्लेयर भी अमरावती से गए, और ये जो खेल इन्होंने चुना है कबड्डी अमरावती में, इसका बहुत मतलब अमरावती में बहुत अच्छी अच्छी संस्था है, बहुत अच्छी अच्छी ये। आप उनसे भी सहयोग लो, उनके साथ में भी कई बच्चों की कबड्डी कर रहे हैं अमरावती।